गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जैसे जैसे मैं चैप्टर्स को कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मन लगा के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स भी रिसेंटली मैंने उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक वीडियो प्रोवाइड कराया है, दो पार्ट, उसके पार्ट वन और पार्ट टू। आप उनको स्पेशली देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी बेसिक नॉलेज वहीं से तैयार होगी। यदि आप लोग नहीं दुखोगे तो आपका एटम से रिलेटेड कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वीक हो जाएंगे। और फिर भी यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो स्कूल आप लोग जरूर आइए, फिर डाउट्स को क्लियर करने और कंसेप्ट को भी क्लियर करने। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक चालू करते हैं, फिशरी, मछली पालन। फिश इज एन ईजली अवेलेबल प्रोटीजीनियस हाईली न्यूट्रिशियस एंड ईजली डाइजेस्टिव फूड रिसोर्सेज, देयरफॉर फिशरी हैज बीन डन बाई ह्यूमंस फॉर ब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस ऑफ फिश। नाउएडेज द पोजिशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन सिक्स इन द केस ऑफ सी फूड प्रोडक्शन। मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाला प्रोटीन युक्त, उच्च पोषक युक्त, आसानी से पचने वाला भोज्य स्रोत है। अतः मछली मानव द्वारा, मतलब मछली पालन हेतु मानव तालाबों में मछली का पालन करता आया है वर्तमान में। और मछली से प्रजनन संबंधी जानकारी अभी इसमें आपको दिया गया। नाउ डेज द पोजिशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड सिक्स इन केस सी ऑफ फूड प्रोडक्शन। आज भारत विश्व में छठे स्थान पर है मछली पालन की दृष्टि में। नेक्स्ट, इन वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा अबाउट 1500 ओल्ड फिशरी इंडस्ट्री इन प्रेजेंट। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली उद्योग है, क्योंकि ये जो जगह है ना समुद्री किनारे के आसपास के राज्य हैं, कोस्टल एरिया के आसपास पड़ने वाले स्टेट्स हैं जहां पर फिशरी प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। और इन एरियों में मछुआरे जो होते हैं ना उनका भी पालन, आजीविका जो है, लाइवलीहुड है, वो इन्हीं से चलता है। मैं बात करूँ साउथ की साइड, तमिलनाडु, वहाँ पर भी मछली उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। केरला, वहाँ पर भी मछली उत्पादन एक अपने आप में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो कई लोगों की आजीविका चलाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी जो थे ना उन्होंने भी फिशरी, मछली, उनके जो फैमिली जो थे वो मछली मछुआरे थे, मछली पालन के द्वारा ही उनकी जो एजुकेशन थोड़ी बहुत हुई थी। तो एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मछली पालन किसी भी परिवार के आर्थिक आजीविका को चलाने के लिए। बात करते हैं हम और टॉपिकों की। फिशरी इज अ मोर फ्लूड सेल्स इन फ्रेश वाटर्स एज कंपेयर्ड ऑफ स्लाइन वाटर। मछलियों का उत्पादन, अंडरलाइन करेगा, खारे जल की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है। फॉर फिशरी इन फ्रेश वाटर नेटिव फिश लाइक रोहू, कतला, एंड्स, मृगल ETC। इसके बाद बोल रहा है कि अलवणीय जल में मछली पालन के लिए रोहू, कतला और मृगल आदि देसी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। रीजन क्या है अलवणीय जल में, तो खारा पानी होता है स्लाइन वाटर, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट रहते हैं जो मछली के स्केल्स रहते हैं ना, मछली के जो सल्क रहते हैं उनको डेड कर देते हैं, उनकी स्केल्स को ख़राब कर देते हैं। और इसके कारण जो फिशरी प्रोडक्शन है वो बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, तो इसलिए मीठे पानी में मछली का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट पेज पर आइएगा आप लोग। इन फिशिंग इंडस्ट्री फेसोक्सिक फिशेज लाइक कॉमन कार्प आर कल्चर। एक विदेशी मछली का भी नाम दिया गया है कॉमन कार्प, जो कि विदेशी मछली है। द लैंड विथ क्ले, अंडरलाइन करेगा, 2019 बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। द लैंड विथ क्ले सॉइल कंसिडर्ड गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पॉन्ड। जो मछली उत्पादन के लिए चिकनी मिट्टी वाले जलाशय अधिक उत्तम रहते हैं। द टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर फ्लो ऑफ दिस पॉन्ड रेगुलेटेड फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फिश। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि किसी भी जलाशय का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि नियंत्रित करने के लिए मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है। द नेचुरल फूड गिवन टू फिश आर लाइक माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल लाइक हस्क ऑफ राइस, ब्रेन ऑफ वीट, पीसेज ऑफ ग्रेन। अब हम बात करते हैं मछलियों का भोजन क्या होता है। तो कुछ प्राकृतिक भोजन जो होते हैं, सूक्ष्म जलीय पादप, जंतु समझे आप, जोंक वगैरह, उनको लीच वगैरह खिलाया जाता है कांटे में फंसा के। आप लोगों ने मछुआ देखा होगा, जो मछुआरे होते हैं ना वो नेट के आसपास जोंक, उनकी जाल में जोंक वगैरह फंसाते हैं और मछलियों को खिलाते हैं। साथ के साथ आर्टिफिशियल की बात करूं मैं,
चावल की भूसी, गेहूं का चापर और अनाज के टुकड़े आदि भोजन का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फिशरी हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था 2019 में, लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आप लोगों के आया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जानने की कोशिश करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।